खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट। रोहतास जिले के नोखा विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पिपरा स्थित बूथ संख्या 45 पर अब तक कोई मतदान करने मतदाता नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पिपरा गांव के ग्रामीण गांव का विकास नहीं होने से नाराज थे, इसलिए अभी तक कोई मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे। बिहार में मिले कोरोना के 780 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,14,163। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक 780 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,14,163 हो गई है। बिहार में फिलहाल 9,853 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी को हुआ कोरोना, चुनाव प्रचार के दौरान हुए संक्रमित। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराना यहां के नेताओं को भारी पड़ रहा है। भाजपा और JDU के नेताओं के बाद विकासशील इंसान पार्टी में मुखिया मुकेश सहनी को कोरोना हो गया है। मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह कई दिनों से लगातार चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसके कारण वह संक्रमित हो गए हैं। भोजपुर में बूथ के बाहर हमला, महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी, घायलों ने बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है। सूबे के 16 जिले की 71 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र के बाहर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में PM मोदी ने लालू परिवार पर बोला हमला, तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुजफ्फरपुर में PM मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। PM मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया। PM ने कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से क्या उपेक्षा कर सकती है। जंगल राज में सब कुछ बिहार की जनता को देखने को मिल चुका है। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान 5,00,000 रुपए बरामद, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस एक वाहन से 5,00,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। FST की टीम ने बिरौली के नेशनल कॉलेज के समीप की जांच के दौरान रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष बैंक के कर्मी से पैसे की बरामदगी की गई है। 4 बजे तक पहले चरण के 26 सीट पर मतदान संपन्न। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के 26 सीट पर मतदान संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 4 बजे खत्म हो गया। पहले चरण में 16 जिले के 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। पहले चरण में 1,066 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग खपा, SP से जवाब तलब। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प में एक नाबालिग के घायल होने की घटना का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मुंगेर के पुलिस अधीक्षक
एसपी से जवाब तलब किया है। आयोग ने 26 से 27 अक्टूबर को हुई घटना में बच्चे के घायल होने को लेकर एसपी को 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नक्सलियों की बड़ी साजिश, औरंगाबाद में आईईडी बरामद। बिहार की 71 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। इस तब के बीच वोटिंग को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की मंशा को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। औरंगाबाद में बुधवार को सीआरपीएफ ने 2 ईआईडी बम बरामद किए, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। वोट देने से रोके गए महादलित समुदाय के लोग, प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। जमुई विधानसभा के मलयपुर थाना क्षेत्र के पत्तोना गांव के बूथ संख्या 170 पर महादलित समुदाय के लोगों को वोटिंग करने से रोक दिया गया। इस दौरान महादलित समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताते हुए प्रशासन पर एकतरफा दबाव बनाने का आरोप लगाया।